Welcome to the Ashish Mathematics student. Today I am going to discuss about the time and work parts 9 business 2020, and this session is very important for the SSC, bank, railway, CDS, CAT, NDA, FCAT and other competitive examination students. And after watching all this session, you are able to obtain the 100% marks in the mathematics, right? तो जो पूरा आपका टाइम एंड वर्क का जो भी सेशन था मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो समय और कार्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन था यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, सारा चीज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके बाद मैं टाइम एंड वर्क के बाद अभी पाइप एंड सिस्टर स्टार्ट करूंगा, देन आफ्टर टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूंगा। तो जो भी आपके जो मैथ्स के सिलेबस है तो उसके लिए, जैसे कि जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, तो सारे एग्जामिनेशन के लिए आपका जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एनटीपीसी के लिए, अगर आप ग्रुप डी के लिए बात करें तो उसके में उससे संबंधित भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम लोग उसके बाद बात करें कि जो भी आपका सीजीएल होगा तो सीजीएल से भी संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, राइट। अगर आप मेरे को अन अकेडमी प्लस भी फॉलो करना चाहते तो वहां पर भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। दिस इज माई कोड SHIVGOVIND1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस कोड को अप्लाई करना नहीं भूलेंगे, अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का, ये लास्ट सेशन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसमें भी ये भी जो सेशन है इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो सीपीओ में आए हुए हो, एसएससी के सीपीओ में आए हुए हो, या फिर वो जो आपके क्वेश्चन है वो आपके किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी सीजीएल में आए हुए हो, तो सारे में ये आपका एग्जाम जो है ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड आई एम हैविंग द 7 ईयर एक्सपीरियंस and I mentored the approximately 7,000+ students, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतने students को पढ़ा चुका हूँ and I am I teach live and recorded session, right? तो यहाँ पे जो है आपको इस चैनल पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चैनल में आपको जो है क्लासेस भी और बहुत सारे क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे और भी कौन कौन से क्लासेस आपको मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो आपको और भी, जैसे कि अभी मैं जो हूं वो आपके लिए जनरली यहाँ पे यूपीएससी के लिए छात्रों के लिए भी यहाँ पे क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि मैं द हिंदू पीआईबी, द हिंदू प्लस पीआईबी प्लस में आपका जो है यहाँ पे जो है हम लोग अगर बात करें द हिंदू पीआईबी एंड द आपका जो इंडियन एक्सप्रेस जो है उसका भी हम लोग न्यू जनरलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो उसके भी सेशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा करेंट अफेयर जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा करेंट अफेयर जो है, जो भी एग्जाम जो मिशन 2020 के लिए जो है यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो करेंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे करेंट अफेयर्स में ये तो आपको लेटेस्ट यहाँ पे ये वाले करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मतलब अभी वाले, ठीक है, मतलब जो आपका अभी जो न्यूज है उसके बारे में। तो पीछे का जो भी करेंट अफेयर है वो भी आपको पिछले 2 साल का करेंट अफेयर का भी मैं क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे मैं जो हूं आपको यहाँ पे जनवरी 2018 से लेकर आपका जो है क्लासेज यहाँ पे मैं दिलवाऊंगा दिसंबर 2019 तक। तो कंप्लीट 2 साल का जो भी करेंट अफेयर है, और जो भी प्रत्येक लेक्चर जो होगा वो 10 मिनट का होगा स्टूडेंट, और 10 मिनट में सिर्फ हम लोग एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हर दिन जो है 4 या 5 जो है वो आपको जो है सेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको 10-10 मिनट का लेक्चर होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर हम लोग जीके के बारे में बात करें तो जीके के लिए भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपके मंडे से आपको जो है 6 से लेके 12 तक का उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 से लेके 12 तक का जो भी आपका क्लासेस जो होगा 6 से लेके 12 तक का, अगर हम लोग बात करें तो जैसे पॉलिटी हम लोग उस सेशन में देखेंगे, प्लस में हिस्ट्री देखेंगे एंड जियोग्राफी देखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से है, और साथ ही साथ अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, सीडीएस, किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका सारा चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ये तीनों चीज हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग
जो है जैसे ही ये तीनों सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की सारी क्लासेस की जो भी आपको इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जब सारा चीज कवर हो जाएगा देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड बुक में जो है वो हम लोग पॉलिटी के लिए पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत का जो सिक्स एडिशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो बिपिन चंद्रा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, तो बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर ये और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी हो गया, ये आपका हिस्ट्री हो गया। अगर जियोग्राफी में हम लोग जेसी लियोंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेसी लियोंग हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर यूपीएससी के प्रस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत अच्छे से डिटेल से आपको यहाँ पे बनाया गया है। तो जेसी लियोंग भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर बुक के बारे में बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आर्ट एंड लेक्चर की आर्ट एंड कल्चर के लिए जो लेक्चर जो है वो आपको नितिन सिंघानिया का जो बुक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नितिन सिंघानिया। तो ये सारा आपका जो है वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो और भी साथ अगर और भी आगे के सेशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो आपको ये सारी तो जीके जीएस करेंट अफेयर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है मैथ्स की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो जो भी आपके लिए अगर आपका सपोर्ट रहा है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे और भी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी जो आपकी पढ़ाई को और बेहतर बना सके, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये स्टूडेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, अ लेबरर वाज अपॉइंटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन ही वुड बी पेड ₹75 फॉर ईच डे ऑफ हिज वर्क, बट ही वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ द ₹15 पर डे फॉर हिज एब्सेंस। मतलब ये कोई एक लेबर को जो है कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार है वो एक कंडीशन पे उसको जो है वो पैसे पे करने के लिए बोलता है, मतलब उसको जो है ठेका देता है, ठेके पे काम को देता है कि अगर वो प्रत्येक दिन काम करता है तो उसको 75 रुपीज दिए जाएंगे, अगर वो एक दिन अब्सेंट होता है तो उसको ₹15 जो है उसको जो है पेनाल्टी लगाया जाएगा, मतलब उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। और 20 दिन के बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है, आफ्टर 20 डेज द कॉन्ट्रैक्टर पेड द लेबरर ₹1140, और 20 दिन के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको कितना पैसा देता है, 20 दिन के बाद उसको कॉन्ट्रैक्टर जो पैसा देता है वो ₹1140 देते हैं। तो बताइए कि वह व्यक्ति जो है वो कितना दिन अब्सेंट रहा, मतलब द नंबर ऑफ डेज द लेबरर अब्सेंट फ्रॉम द वर्क वॉज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अगर वो लेबर अगर पूरा प्रेजेंट होता, ठीक है, 20 दिन तो उसको कितना पैसा मिलता, तो ₹75 एक दिन का मिल रहा है तो 20 दिन का उसको कितना पैसा मिलता, उसको मिल जाता है स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो ₹1500 मिल जाता, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें कि अगर वो व्यक्ति जो है ये प्रेजेंट होने का था, मतलब प्रेजेंट का था, अगर वो अब्सेंट हो जाए, ये अगर 20 दिन अब्सेंट होता तो उसको कितना पैसा कटता, तो अब्सेंट होने का जो है उस लेबर का वो अब्सेंट होने का कितना पैसा लगता, ₹15 20 दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए ₹15 तो 20 दिन के लिए कितना हो जाता, तो अब्सेंट का उसका जो पैसा लगता 15 × 20 अगर हम लोग इसको देखें तो ये आ जाता ₹300। अब इसके बाद मिक्सचर एनालिगेशन से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। अब यहां पे देखिए कि यहां पे प्रेजेंट एंड अब्सेंट, प्रेजेंट के लिए कितना पैसा मिलना था उसको ₹1500, और अब्सेंट अगर वो 20 दिन हो जाता तो उसको कटता -₹300, ठीक है। लेकिन उसको पैसा कितना मिला, पैसा उसको मिला ₹1140, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस जब करेंगे तो यहां पे दो बार माइनस हो जाएगा, तो 1140 माइनस 300, ठीक है। और जब इसको माइनस करेंगे ये दोनों को
तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर आप ये दोनों को माइनस करते हैं तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, तो 1500 माइनस, यहां भी माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, तो माइनस करने के बाद ये टर्म आ जाएगा। अगर इसको इससे माइनस करेंगे, ये वाले को इससे, तो यहां पे जब इस ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 360। जब आप इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये जो टर्म है आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपका आ जाएगा 1440। ठीक है, कितना आ गया 1440, और अब्सेंट होने का कितना है 360। ठीक है, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मतलब यहां पे 360 रुपए उसके कटे और 1440 रुपए जो है वो आपको उसके प्रेजेंट होने का मिलने चाहिए थे, अगर वो टोटल ये जो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये 340 360 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं कि ये जो है आपका 1 360 1 360 एंड 364 जो है वो आपका कितना आ जाएगा 1440। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि यहां पे जो है आपको क्या बोला गया है कि इस तरीके से ये 4 गुना है, तो टोटल ये कितना हो गया, टोटल जो है इसका रेशियो कितना बना, 5। टोटल जो है अगर दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 4+1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4+1 जो है ये आपका टर्म का आ जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो 4+1 जो है वो कितना आ जाएगा, जैसे हमारे पास टोटल कितना रेशियो अगर हम लोग देखें तो टोटल रेशियो था हमारे पास 4:1, और यहां पे 4+1 करें तो टोटल जो है वो, मतलब 4 दिन अगर वो अब्सेंट रहता है तो एक दिन वो, मतलब 4 दिन प्रेजेंट रहता है तो एक दिन वो, 4 दिनों के बाद वो एक दिन जो है वो आपका वो अब्सेंट रहेगा। अब यहां पे टोटल 5 दिनों अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ने के बाद यहां पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो टोटल जो है ये 5 हो गया। अब ये व्यक्ति 20 दिन काम करता है तो ये कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ, ये आपका प्रेजेंट होने का है, ये अब्सेंट होने का है, ये टोटल का है, तो 5 में कितना गुना किए, 4 गुना किए तो 20 आया, तो 1 में कितना गुना करेंगे कि वो जो है आपका अब्सेंट वाला ऑब्टेंड हो जाएगा, तो 1 में कितना गुना करेंगे तो आपका जो है आएगा, तो 1 में जो है वो 4 गुना करेंगे तो 4 दिन वो अब्सेंट होता है, और 4 में जो है 4 गुना करेंगे तो ये 16 दिन प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर जो होगा, तो यहां पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तो आपका करेक्ट आंसर इज द 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 40 मैन जो है किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर बट एट द एंड ऑफ द 10th डे 5 मैन लेफ्ट द जॉब एंड द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन। 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने एक काम का करना शुरू किया लेकिन प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल के पर 5 लोग काम को छोड़ देते हैं, तो बताइए कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब यहां पे मान लिया कि एक आदमी जो है एक दिन में एक यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, वन मैन जो है वो एक यूनिट काम कर रहा है, एक इकाई काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो एक मैन जो है वो एक इकाई काम कर रहा है, आगे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे 40 मैन कितना काम करेगा एक दिन में, एक इकाई प्रतिदिन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 40 मैन जो है वो कितने दिन कितना काम करेगा एक दिन में, तो एक दिन में काम करेगा ये 40 इकाई। राइट, आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, आपको कोई दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पे ये समझ में आ गया कि जो है 40 आदमी जो है वो 40 इकाई काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो ये एक दिन का काम हुआ, लेकिन वो काम टोटल कितना दिन कर रहे हैं, तो 40 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल 40 मैन कैन डू अ वर्क, 40 मैन जो है वो 40 मैन कैन डू अ वर्क
in 40 days equal to, तो यहाँ पे 40 men can do the work equal to 40 day में वो कितना, एक दिन में 40 इकाई करते हैं तो 40 दिनों में वो कितना काम करेंगे, तो 40 into 40, तो after multiplying you will get the value of 1600, right? तो यहाँ पे 1600 इकाई जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब वो लोग जो हैं वो 1600 इकाई जो है वो काम को करते हैं, ठीक है, 1600 इकाई जो है वो काम को करते हैं, मतलब टोटल काम को। अब यहाँ पे आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो आगे का ये बोला गया है कि वो प्रत्येक 10 दिन के बाद जो है वो 5 लोग वहां पे काम छोड़ देते हैं, बताइए कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होता है। तो हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, 40। तो पहला 10 दिन 40 लोग काम करेंगे, तो 40 लोग काम किए तो 400 यूनिट पहले 10 दिनों में हो गया, ठीक है, तो 400 इकाई कंप्लीट हो गया। दूसरा अगर फिर से 5 लोग उसके बाद छोड़ देंगे, तो 5 लोग छोड़ने के बाद फिर से 35 लोग बचे, 35 लोग फिर से 10 दिन काम करेंगे तो 350 यूनिट इकाई जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर से 5 लोग काम को छोड़ देंगे तो फिर 30 लोग जो है वो 10 दिन काम करेंगे तो 300 इकाई हो गया, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बाकी का जो है वो आपका 25 लोग बचा, 25 लोग भी 10 दिन काम किए तो कितना हुआ, 250। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इसको काउंट करते जाएंगे तो 400 और आपका जो है 600, 300, 200, 500, 50, 50, 100, तो यहाँ पे 400, 600, आपका 1000, 1300। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 20 वाला भी 10 दिन काम कर लेगा, तो 20 × 10 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो गया जो है यहाँ पे 200 इकाई काम हो गया, मतलब 50 दिनों में जो है अगर हम लोग यहाँ पे टोटल देख रहे हैं तो 50 दिनों में जो है इस तरीके से पैटर्न से अगर काम होता है तो 50 दिनों में 1500 यूनिट काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल था 1600 यूनिट जिसमें 1500 यूनिट काम हो गया, तो हमारे पास बचा स्टूडेंट 100 इकाई, 100 यूनिट जो है वो काम बच गया। अब इस 100 यूनिट को अगर हम लोग कितने बाद, ये 10 दिन के बाद 20 लोगों ने काम छोड़ा था तो 20 लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया, तो फिर 10 दिनों के बाद 5 लोग छोड़ेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितना बचा, 15। तो 100/15 अगर हम लोग करेंगे तो 5 से 15 और 5 से 20 बार में ये कट जाएगा, तो अगर हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें तो 6 × 2/3 और इधर कितना काम हो गया, 50 दिन इधर पहले से काम हो गया था, तो 56 × 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। 50 से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो डायरेक्टली जो होता है, जो संख्या संख्या होता है वो जोड़ देते हैं और फ्रैक्शन जो होता है उसमें ऐड कर देते हैं, तो 50 + 56 = 2/3 जो है इतने दिन में काम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ये आपके सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका सीजीएल में बिल्कुल भी आता है, एकदम आपको फोकस करके चलना है कि सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, एकदम इस चीज को, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जो है एग्जाम में एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए चलना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे है और जो कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स। जी तो इस क्वेश्चन को बनाइए स्टूडेंट, जो भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है। अगर हम लोग जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ए जो है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 30 days एंड 60 days रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई द बी एंड सी ऑन एवरी 3rd day। अब यहाँ पे बोला गया कि ए बी एंड सी, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिनों में, बी जो है वो किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में, और सी जो है उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि अगर ए काम करता है, ठीक है, ए काम कर रहा है लेकिन तीसरा दिन जो है वो बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं और इसी तरीके का साइकिल चल रहा है, मतलब पहला दिन ये अकेले काम किया, दूसरा दिन भी ए अकेले काम किया लेकिन तीसरा दिन जो है, हर एक तीसरे दिन जो है ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही पैटर्न है आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी में एक भी क्वेश्चन है आपका और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 10, दूसरा है 12, तीसरा है आपके पास 15 और चौथा है डी ऑप्शन है आपके पास 20।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसके लिए, तो यहां पे आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 का अगर आप निकालेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है, ये टोटल आवर का आ गया, तो 60 इकाई कोई भी व्यक्ति जो है वो काम करता है कितने दिनों में, 60 इकाई कोई भी व्यक्ति जो है वो काम करता है अगर हम लोग बात करें 20 दिनों में, तो एक दिन का जो उसका वर्क होगा वो क्या होगा, एक दिन का वर्क जो होगा वो आपका 3 इकाई होगा। कोई व्यक्ति जो है 60 यूनिट काम जो है वो आपका 30 दिनों में करता है, तो उसका बी का जो है वो काम करने की जो इफिशियंसी है वो कितनी होगी, 2 इकाई होगी। और सी जो है वो 60 इकाई काम करता है 60 दिनों में, तो उसका एक दिन का इफिशियंसी कितना होगा, 1 इकाई होगा। तो यहां पे पहला 2 दिन अगर हम लोग साइकिल के बारे में बात करें, तो पहला 2 दिन जो है वो कौन काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पहले 3 दिन का वर्क अगर हम लोग निकालेंगे, तो पहले 3 दिन का वर्क जो है वो आपका पहले ए, पहला दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। ए जो है उसका क्षमता कितना है, 3 है। बी जो है वो दूसरा दिन करेगा, सॉरी ए करेगा फिर से अकेले, तो फिर से उसका 3 लगेगा, 3 यूनिट करेगा। लेकिन लास्ट में जो है वो तीनों तीसरे दिन जो है तीनों मिलके काम करते हैं, तो 3, 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो तीसरा दिन जो है वो 6 यूनिट काम होगा। अगर टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना यूनिट काम हो गया, 12 इकाई काम हो गया। कितने दिनों में अगर हम लोग बात करें तो 3 दिनों में, ठीक है। टोटल काम कितना है, टोटल काम है यहां पे 60 इकाई, ठीक है। और 3 दिनों में उन लोग काम कितना कर रहे हैं, टोटल काम है 60 इकाई और 12 इकाई उन लोग 3 दिनों में कर दे रहे हैं। तो यहां पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 12 × 3 = 60, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 साइकिल। इस तरीके से कौन सा साइकिल, ये जो ऑप्टेंड होगा ये 5 साइकिल। तो ये 3 डे का साइकिल जो है वो कितने दिनों तक चलेगा, ये आपका 5 साइकिल चलेगा। तो 5 × 15, एक साइकिल 3 दिन का, तो 5 साइकिल कितने दिन का होगा, वो 15 दिन का होगा। तो यहाँ पे 15 दिन जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो भी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए जो है वो 10 दिन कम काम लेता है बी के कंपेयर में, ठीक है। और ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो बताइए कि ए जो है, बी जो है वो कितने दिनों में काम को करता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे बताइए स्टूडेंट्स कि ए और बी, तो यहां पे जो है आपका जो क्वेश्चन में जो टाइप दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें यहां पे, एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ए और बी, ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में, ठीक है। तो 12 दिनों में ये काम कर रहे हैं। ए जो है वो 10 दिन कम ले रहा है किससे, बी के कंपेयर में। तो बताइए कि जो है बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। अब यहां पर जो है हम लोग खुद से इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए और बी, और यहाँ पे ए और बी का जो है कॉमन जो है वो आपका 12 दिनों में काम कंप्लीट हो जा रहा है, अगर टोटल अगर हम लोग मिक्स करें तो। और यहाँ पे जो है सिंपल सा डिफरेंसेस जो है वो 10 दिन का होना चाहिए, मतलब ए जो है वो 10 दिन कम लेगा। तो अगर सपोज मैं मान लेता हूं कि ये 20 दिन ले, ये 30 दिन ले, क्योंकि जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 12 के टेबल में कितना आता है, तो आप एक तरीके से राउंड फिगर में क्या ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं स्टूडेंट। ये आपको ट्रिक है, एक तरीके से आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ए प्लस बी टोटल जो है वो 12 दिनों में काम को करते हैं, ए और बी के काम का बीच का डिफरेंस, तो अगर आप यहाँ पे ले लीजिएगा 10 और 20, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज अगर आप यहाँ पे 10 लेते हैं और बी की जगह पे 20 लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, जो आएगा वो आपका 20 आ जाएगा। तो क्या 20 12 के टेबल में आता है, नहीं आता है ना, तो फिर आपको वहां पे फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से संख्या लेना है, इस तरीके से जो नंबर लेंगे हम लोग, ताकि वो जो है वो आपका 12 से भी डिविजिबल हो और बाकी का यहाँ पे जो दो संख्या है उससे भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे अगर आप इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम टोटल वर्क आ गया 60, और ये होगा 3 यूनिट और ये होगा 2 यूनिट। देखिए दोनों को मिक्स करके अगर आप इसको वर्क को कंप्लीट करते हैं तो 12 दिनों में काम हो गया, ठीक है। अब यहां पे देख लो आप कि बी जो है वो 60 2 यूनिट एक दिन में काम करता है, ठीक है।
तो वो 60 दिनों में कितना काम करेगा, तो यहाँ पे तो 30 दिन दिया ही हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से बी का जो है वो आंसर जो है वो डायरेक्टली 20 दिन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, तो 20 दिन इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सीपीओ में आया था, कब के एग्जाम में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो ये जो आपका एग्जाम जो था उसमें आपका आया था, सीपीओ का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका ये जो है वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सीपीओ का एग्जाम में ये जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। मैं इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को टाइम देता हूं कि बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आपके पास मात्र टाइम है 30 सेकंड का, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सारे लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं आशा करता हूं सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। आपका जो है वो 30 सेकंड से मैं टाइम को बढ़ा देता हूं 1 मिनट का, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 12 मंकी जो है वो 12 जो है वो बनाना को खाते हैं 12 मिनट में, तो बताइए कि जो है 4 मंकी 4 बनाना को कितने देर में खाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन जो है वो बनेगा। ठीक है, किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो आप इसको सॉल्व करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सारे लोगों का इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सारे लोगों का आंसर आएगा ही आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब आपका टाइम समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स, आई होप सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा। चलिए अब मैं ही इस क्वेश्चन को बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम लोग बात करें तो जो है वो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 12 आदमी जो है 12 मंकी जो है वो 12 बनाना, तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, इस टाइप का एक फॉर्मूला बताया था M1D1W1। ठीक है, इसके बाद M2D2W2। ठीक है, तो इसी पे आधारित आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग पहले से अगर हमारे सेशन को देख रहे होंगे तो इसको बहुत आसानी से जो स्टूडेंट हैं उनका आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 12 × 12 आ जाएगा, क्योंकि अगर मंकी कितने हैं पहले में आपका जो है 12 मंकी है और यहाँ पे 12 बनाना खा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिनट में काम हो रहा है, मतलब टाइम जो लग रहा है वो 12 मिनट लग रहा है, और वर्क कितना हो रहा है 12 बनाना को खाने का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो हो गया वो 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है कि कितने 4 मंकी हैं, टोटल मंकी कितने 4 हैं, और ये टाइम हमको नहीं पता है, तो टाइम को टाइम ही रखने देंगे। फिर यहाँ पे 4 बनाना ये खा लेते हैं, तो 4 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कट गया, ये 12 से 12 कट गया, तो टाइम जो है वो आपका आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 12 मिनट। तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो गया 12 मिनट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें ये बोला गया कि एक आदमी, ठीक है, ए कैन डू अ वर्क मच मोर एज बी एंड सी टूगेदर कैन डू। ठीक है, तो ए जो है वो बी और सी के कंपेयर में ज्यादा काम कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं, और सी जो है उसी काम को 48 घंटे में करता है, तो बताइए कि जो है बी जो है उस काम को अकेले कितने देर में करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, 18 घंटे 24 घंटे 30 घंटे और 12 घंटे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा उसको देखते हैं, राइट। तो यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट कि सबसे पहले जो है ए जो है वो मोर एफिशिएंट है किससे, अगर हम लोग बात करें तो किससे मोर एफिशिएंट है आपका बी से और सी से। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका अगर वैल्यू निकालें कि ए जो है वो कितने देर में काम करता है, तो सबसे पहले ए प्लस बी जो है वो किसी काम को कितने देर में करता है आपका, करता है 9 घंटे 9 घंटे 36 मिनट में, राइट, 36 मिनट।
अब यहाँ पे 9 घंटे ये तो आर्स में है, तो इसको आर्स में ही आप रहने देंगे। अगर आप इसको अगर 36 को अगर आर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से जब आप डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या टर्म आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जैसे ही करते हैं तो डिवाइड 36 एंड यहाँ पे आपका 16 जा, फिर 12 से भी काट सकते थे तो 12 3 जा 30, फिर 3 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आपका आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखे स्टूडेंट तो आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटीजर 2 बाई 3 आर्स, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको काट देते हैं, जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते ही आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो 9 इंटीजर 2 बाय सॉरी उल्टी हो गया उल्टा हो गया यहां पे जो है आपका 9 इंटीजर अगर हम लोग बात करें तो 9 इंटीजर 3 बाई 5 होगा, ठीक है। 9 इंटीजर 3 बाई 5 आर्स आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया कि ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं। सी अकेला काम जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 48 घंटे में कर रहा है। आप इसको भी चाहेंगे स्टूडेंट्स तो आप इसको भी 48 घंटे में कर लेंगे, तो 9 5 45 3 कितना आ जाएगा, 48/5, राइट। अब यहां पे जो है ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ जाएगा, 48। अब 48 आ गया तो आप बिल्कुल भी आसानी तरीके से इसको बोल सकते हैं कि 48 जो है तो यहाँ पे ये जो है ए प्लस बी टोटल मिलके कितने कितना काम कर रहा है, टोटल जो है ए प्लस बी मिलके एक दिन में जो इसका काम हो रहा है ए प्लस बी का, ये 5 इकाई हो रहा है, क्योंकि जब आप ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 48/5, तो अगर वो पर डे 5 इकाई करेगा तभी जाकर वो 48/5 दिनों में 48 यूनिट काम करेगा। सी जो है वो कितना देर में काम कर रहा है, कितना इकाई काम कर रहा है, अगर उसके बारे में बात करें तो सी जो है वो 1 इकाई काम करता है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो यहां पे ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो सी जो है वो कितने देर में काम करेगा, आपका 1 इकाई जो है वो पर डे काम करता है, ठीक है। अब यहां पे जो है वो क्वेश्चन क्या बोला है, ए प्लस बी जो है वो मोर इफिशियंट है, ठीक है, राइट। अब यहां पे बी जो है वो कितने दिनों में काम अकेले कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम को फाइंड आउट करूं तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं कि टोटल 5 + 1 6 इकाई हो गया, 6 यूनिट जो है वो कौन काम कर रहा है, वो आपका जो है कौन काम कर रहा है, अगर हम लोग बात करें तो 6 इकाई जो है तीनों मिलके काम कर रहा है एक दिन में। अब यहां पे पहले ही क्वेश्चन बोला था, यहां पे अगर फर्स्ट लाइन अगर आप इसका देखेंगे तो ए जो है वो बी प्लस सी के बराबर काम कर रहा है, जितना बी प्लस सी काम कर रहा है एक दिन में उतना ही काम जो है वो आपका कौन काम कर रहा है, उतना ही काम आपका यहां पे ये लिखा हुआ है कि ए कैन डू एज मच वर्क बी बी एंड सी टूगेदर कैन डू, जितना वर्क जो है बी और सी करते हैं उतना ही वर्क जो है अकेले ए करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या मैं इसको यहां पे जो ये जो टर्म है स्टूडेंट्स यहां पे क्या मैं इसको इसके जगह पे क्या मैं बी सी के जगह पे ए एक और लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 6 इकाई लिख लेंगे, 6 इकाई तो दिया ही हुआ है, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 6/2, जब आप इसको काट देते हैं तो कितना आ गया आंसर 3 इकाई, ठीक है। तो 3 इकाई आ गया, a जो है वो 3 इकाई किया, तो b कितना करेगा, b जो है क्योंकि a और b दोनों मिलकर 5 इकाई करते हैं तो b जो है वो 2 इकाई करेगा, टोटल काम कितना है 48 है, तो वो कितने देर में खत्म हो जाएगा, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 24 आवर्स में b जो है वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 48/2 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24 आवर्स, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल, तो आपका 24 घंटा जो है इसका आंसर जो है वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, सॉरी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए और भी मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आपका क्वेश्चन आया था, कब के डेट में, जो 12/4/2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आपका क्वेश्चन आया था। इसमें बोला जा रहा है कि दो मैन है, टू वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ए वर्किंग एलोन वुड बी द 8 आवर मोर टू कंप्लीट द वर्क व्हेन द वर्क टूगेदर, ए जो है ए और बी जो है दोनों किसी काम में एंगेज हैं, अगर ए अगर अकेला उस काम को करता है तो अगर दोनों लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो उससे वो 8 घंटा ज्यादा लेता है, ठीक है, और बी अगर अकेला काम करता है तो दोनों जब साथ में काम करते हैं तो वो उससे
4.5 hours ज्यादा लेता है and then the time required to finish the work together. तो ये बताइए कि वो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने देर में काम कंप्लीट हो जाएगा. आपके पास ऑप्शन 4 है. ऑप्शन नंबर ए अगर हम लोग बोले तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है स्टूडेंट 5 घंटा. ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास 8 आवर्स है. ऑप्शन नंबर सी 4 आवर्स. ऑप्शन नंबर डी जो है वो 6 आवर्स है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे स्टूडेंट. अगर हम लोग बात करें कि अगर इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन है, जैसे ए प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो उसके कंपेयर में ए कितना ले रहा है, तो ए जो है 8 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो आपको यहां पे ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है प्लस 8. बी प्लस मतलब बी जो है वो आपका उससे कितना कम ले रहा है, अगर हम लोग बात करें तो बी से जो है वो आपका कितना कम ले रहा है, बी जो है वो ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा ले रहा है, तो 4 integer 1/2, इतना बस आपको ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखना है. क्वेश्चन बस आपका बन गया, बस आपको जो इतना ध्यान में रखना है उतना ही के अकॉर्डिंग आपका जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा. तो जब कभी भी अगर हम लोग ए कितना ले रहा है 8 घंटा ज्यादा ले रहा है और बी कितना ले रहा है वो आपका 4 integer 1/2 अगर आप इसको करते हैं तो 9/2 आवर्स ज्यादा ले रहा है. ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी ज्यादा वाला हो और दोनों का एक साथ करके निकालना है तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे करना है अंडर रूट ए बी. क्या करना है, अंडर रूट ए बी. ठीक है, तो अंडर रूट ए बी अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी का आपका आंसर आ जाएगा. तो अंडर रूट ए बी अगर आप करेंगे तो 8 into 9/2, ठीक है, 9/2 हो गया. इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 4 टाइम में, 9 4 36, तो अंडर रूट 36, और 36 का जब आप रूट निकालेंगे तो 6 इज द आंसर. तो आपका 6 आवर्स जो है इसका आंसर हो जाएगा. देखिए कितने कितना जो वास्ट क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से देखा. कुछ नहीं करना था, सबसे पहले जो है वो आखिर ए कितना ज्यादा टाइम ले रहा है तो 8 घंटा, बी कितना ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये आपका 4.5 आवर्स ले रहा है, और दोनों का मिलाकर अगर पूछा है कि कितने देर में उन लोग टाइम लेंगे तो अंडर रूट ए बी के अकॉर्डिंग हम लोग करके बना लेंगे. ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल का है, 2015 में आपका क्वेश्चन आया था. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सेंड कॉपी द 80 पेज इन 20 आवर्स, एक सेंड वाई टुगेदर कैन कॉपी द 135 पेज इन 27 आवर्स, देन वाई कैन कॉपी इन द 20 पेज इन हाउ मच आवर्स, मतलब कितने देर में उन लोग निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन ये है कि एक 20 घंटे में 80 पृष्ठों को कॉपी कर सकता है, 80 पेज की कॉपी कर रहा है, और एक्स और वाई दोनों मिलकर 27 घंटों में 135 कॉपी की पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं. तो बताइए कि वाई अकेले 20 पृष्ठों को की कॉपी कितने समय में करेगा. आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास 20 घंटा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 24 घंटा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3 घंटा, और चौथा ऑप्शन है आपका 12 घंटा. ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट. अब सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे. कोई भी टेंशन है या कोई भी परेशानी लेने की, कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे कि एक्स जो है वो कितने घंटे में काम किया, एक्स जो है वो 80 पेज कर रहा है कितने घंटे में, 20 घंटे में, राइट, ये आपका दिया हुआ है. तो अगर एक्स का अगर हम लोग निकालें कि एक घंटे में वो कितना पेज करता है, तो एक्स को अगर हम लोग बोले तो यहां पे बिल बोल सकते हैं एक्स जो है वो 4 पेज पर आवर्स निकाल रहा होगा, वाई जो है उसी तरीके से, और एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना निकाल रहा है, एक्स और वाई जो है 135 कर रहा है पेज 27 घंटे में, तो 135/27 जब आप 27 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 पेज पर आवर्स. अब एक्स जो है वो अकेला कितना कर रहा है, 4 पेज प्रति घंटे वो जो है प्रिंट कर रहा है, और एक्स और वाई दोनों मिलके कितना पेज कर रहे हैं, 5 पेज प्रति घंटे कर रहे हैं. तो अगर मैं वाई के बारे में बात करूं, वाई जो है वो कितना पेज कर रहा होगा, 1 पेज प्रति घंटा कर रहा होगा, ठीक है, 1 पेज प्रति घंटा, 1 पेज पर आवर्स, पर आवर वो कर रहा होगा. ठीक है, अब 1 पेज पर आवर कर रहा है, अब वहां पे वाई को करना कितना है, 20 पेज करना है, तो 20/1=20 आवर्स. एक बस इतना ही ध्यान रखने, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका एलडीसी में पूछा गया था 2015 में. तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसीलिए मैं यहाँ पे सेशन को लेकर आया हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि वर्क डन
by x plus 4 men in the x plus 5 days in equal is equal to the work done by x minus 5 man in x plus 20 days, then the value of x is x plus 4 व्यक्ति द्वारा x plus 5 व्यक्ति दिनों में काम किया गया कार्य जो है वो दोनों के द्वारा बराबर है, x minus 5 व्यक्तियों और x plus 20 व्यक्तियों के दिन में किए गए काम के बराबर है। तो बताइए कि x का मान क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरीके से बना लेंगे M1D1 वाले फॉर्मूला से। M1D1 इक्वल टू M2D2, वर्क तो इसका इक्वल ही है क्योंकि दोनों जितना वर्क ये दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं इतने दिन में उतना ही ये लोग भी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, जितना वर्क इन लोग कर रहे हैं उतना ही वर्क उन लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपको समझने वाली चीज है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि x प्लस 4 डेज कितने दिन तक काम कर रहे हैं, x प्लस 5 डेज तक। ठीक है, और यहाँ पे जो है x माइनस 5 जो है वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, x प्लस 20 तक। तो बताइए कि कितने दिन x का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार भी क्वेश्चन है अगर हम लोग बात करें तो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4x, और ये आपका आ जाएगा 5x, और यहाँ पे आ गया 4 5 20। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे और साथ ही साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x इक्वल टू x स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया प्लस 20x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x, और फिर यहाँ पे आ गया माइनस 100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अगर कोई भी अगर दो चीज अगर आपका दोनों टर्म दोनों तरफ अगर इक्वल टू का सेम चीज अगर अवेलेबल है सेम साइन के साथ, जैसे कि दोनों तरफ अगर प्लस में सेम चीज है, या फिर दोनों तरफ अगर सबट्रैक्शन में सेम चीज है, या फिर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो आप उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाला टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। तो 9x, और ये प्लस 15 इधर चला जाएगा माइनस 15 x, और यहाँ पे है 100 माइनस 100, और माइनस ये आ जाएगा माइनस 20। तो 15 माइनस अगर 9 करेंगे तो माइनस 6x आ गया, और ये आपका आ गया माइनस 120। अगर आप इसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा स्टूडेंट, 20 बार में। तो 20 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही देखिए आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन में जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट, आई होप। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है उसके बाद भी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली नाउ फील्ड इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स, इफ दे वर्क इन द स्ट्रेचेस ऑफ द 1 आवर अल्टरनेटली, एंड गंगा बिगनिंग द एट द 9 AM, व्हेन विल द मूविंग बी कंप्लीटेड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से गंगा और सरस्वती अलग अलग काम करते हैं, और एक खेत को क्रम से 8 घंटे और 12 घंटे में जोतती है। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे काम करती हैं, तो बताइए कि 9 बजे अपराहन में काम शुरू होती है तो जुताई कितने बजे कंप्लीट होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे गंगा, तो गंगा का जो है वो फ्रीक्वेंसी कितने देर में काम कर रही है, 8 घंटे में, और सरस्वती जो है वो कितने घंटे में काम कर रही है, ये 12 घंटे में काम कर रही है। तो दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 24 इकाई जो है टोटल वर्क आ जाएगा, 24 यूनिट। तो गंगा का जो इफिशियंसी है वो कितना होगा, 3, और जो सरस्वती का होगा वो आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल काम कितना करना है आपका, 24। ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटे में जो है वो काम कितना हो रहा है, 1 घंटे में जो है वो काम आपका हो रहा है 5 यूनिट। तो 24/5 अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस तरीके से काम होगा, 24/5 नहीं होगा क्योंकि अल्टरनेटली काम हो रहा है। तो अल्टरनेट मान लीजिए पहली बार क्या कौन किया होगा, गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, इसी तरीके से पैटर्न चल रहा होगा। तो पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे, तो 2 घंटे में इन लोग कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। ठीक है, तो 24/5 अगर हम लोग करें तो कितना बार में कट जाएगा जो है, ये आपका कट जाएगा अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें तो 4 बार में,
ठीक है, तो 5 × 20 चार बार में कट गया, तो चार बार जो है इस टाइप का पैटर्न आपका चलेगा। ठीक है, इसके बाद पांचवें बार में जो है वो गंगा को जो है वो आपका कितना देर काम करना होगा, गंगा को जो है वो यहाँ पे काम करना होगा आपको जैसे इस तरीके से, पांच पांच पांच, तो ये 20 घंटा हो गया। ठीक है, मतलब 20 यूनिट काम हो जाएगा एक बार में। यहाँ पे 5 यूनिट हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 हुआ, तो कितना यूनिट काम हो गया, 20 यूनिट हो गया। टोटल काम कितना करना है, 24। तो बाकी में गंगा जो है वो तो अपना पूरा काम करेगी 3 यूनिट, लेकिन जो सरस्वती है वो कितना काम करेगी, गंगा 3 यूनिट करेगी लेकिन सरस्वती को 1 ही यूनिट करना पड़ेगा क्योंकि काम फिर खत्म हो जाता है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काम कितने देर होगा, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये 2 घंटे का काम है, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ठीक है, और यहाँ पे जो है लास्ट वाला जो वर्क है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पहले 4 यूनिट हो गया, तो 4 यूनिट तो आपका हो गया, तो जो है यहाँ पे कितना 2 × 8, 8 घंटा तो काम हो गया, प्लस में 1 घंटा ये काम किया गंगा, 9 घंटा हो गया, और प्लस में ये जो है सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है, तो 1 यूनिट वो आधे घंटे में कर लेगी, तो यहाँ पे 9.5 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, 9 आवर्स उसको काम टोटल करने में कितना घंटा लगेगा, 9 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप जोड़ देंगे, अब 9 बजे अपराहन में वो काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपराहन मतलब एएम में, मतलब सुबह 9 बजे काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग 9 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 18, मतलब 6 बज गया शाम का, तो 6 PM और 30 6:30 में जो है वो आपका काम कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है SSC CPO में 2016 में आया था, तो इसके लिए भी बहुत ही ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए जो है वो किसी काम को जो है वो 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी जो है 24 दिनों में कर सकता है, अगर दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सारे लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, और सारे लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बता भी रहे होंगे, तो सारे लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे मैं बता दे रहा हूं, तो ए जो है वो कितने दिनों में काम करेगा, 12 दिनों में। बी जो है वो कितने दिनों में काम करेगा, बी जो है यहाँ पे काम करता है 24 दिनों में। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो इसका टोटल वर्क 24 यूनिट आ गया। 24 यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो 24 यूनिट में जो है वो आपका ए का काम कितना होगा, ए का काम अगर हम लोग बात करें तो ए जो है वो आपका एफिशिएंसी 2 यूनिट होगा और इसका 1 यूनिट होगा, तो 24 यूनिट अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम जो होगा ए प्लस बी का वो कितना यूनिट हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा, 3 इकाई। उन लोगों को काम कितना करना है, 24 इकाई, तो 24 एक दिन में 3 इकाई, तो 24 इकाई कितने दिन में, तो 28 मतलब 8 दिन में, तो 24/3 अगर आप करेंगे तो 8 दिन में जो है इनका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका, यू कैन से दैट इट्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ डक सूप, आपके लिए बहुत ही इजी टास्क था, इजी क्वेश्चन था, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का बन जाना चाहिए स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आप लोग सारे लोगों से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बन जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट की यहाँ पे ए जो है वो क्या कर सकता है, ए जो है किसी काम को बिल्कुल। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है, और बी जो है 20 दिनों में कर सकता है, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं और 5 दिनों तक काम करते हैं। रिमेनिंग वर्क जो है सी जो है वो 3 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो बताइए कि सी अगर अकेले अगर स्टार्टिंग से काम करता है तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ये भी आपका सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ था और 2016 में आया हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आपका ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ए जो है वो कितने दिनों में काम किया, 12 दिनों में, बी जो है वो कितने दिनों में काम किया, 20 दिनों में। ठीक है, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिनों तक, तो 12 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये 5 यूनिट काम कर रहा है और ये 3 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों का अगर मैं 1-3 का मिलके अगर काम निकालूं तो टोटल 5 और 3 जो है वो कितना यूनिट वो काम कर लेंगे,
और दोनों का अगर हम लोग एक साथ काम निकालें तो दोनों का एक साथ का काम का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका आ जाएगा 5 + 3। अगर हम लोग इसका आंसर के बारे में बात करें तो लगभग 8 इकाई जो है वो एक दिन में वो काम कर लेते हैं, ए और बी दोनों मिलकर। ठीक है, अब यहाँ पे काम उन लोगों को करना कितना था, 60 यूनिट, जिसमें उन लोगों ने काम कितना किया, 8 इकाई कर लिया। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स की ये जो है ए प्लस बी आपको समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप डायरेक्ट डाउट जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर्स के अंदर जो है हूँ, आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा और आपको कोई भी दिक्कत उसके बाद नहीं आएगी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लेंगे, ये मेरा नंबर है 8603322123 है। तो इस नंबर पे आप मेरे को क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मेरे चैनल को आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आशीष मैथ के नाम से है, तो इस चैनल को आप ज्वाइन करिए जहां पे आपको जो भी क्लासेस के जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, और जो भी लेक्चर्स है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके 8 यूनिट एक दिन में काम को करते हैं। सी जो है वो रिमेनिंग वर्क जो है, तो अब यहाँ पे ये दोनों कितना दिन काम करते हैं, तो 5 दिन काम करते हैं। तो अगर ये ए और बी एक दिन में 8 यूनिट काम किए तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 8 × 5 अगर हम लोग निकालें तो 40 इकाई जो है इनका काम हो जाता है। तो ये कंप्लीटेड वर्क हो गया। ठीक है, अगर रिमेनिंग वर्क अगर हम लोग फाइंड आउट करें कि कितना बचा हुआ काम कितना है, तो 60 टोटल इकाई था जिसमें 40 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना, 20 इकाई। ठीक है, अब यहाँ पे सी जो है वो 20 इकाई जो है वो 3 दिनों में कर देता है। इसका मतलब आप इसका एफिशिएंसी बता सकते हैं कि सी जो है वो 20 इकाई कितने दिनों में किया, 20 इकाई वो 3 दिनों में किया। इसका मतलब उसका एफिशिएंसी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो है वो उसका एफिशिएंसी आ गया 6 × 2/3, 20/3, तो 60 वो कितने दिनों में करेगा। तो आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है यहाँ पे 20/3 से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली। तो सी का जो एफिशिएंसी जो आएगा वो कितना आएगा, 20/3 आ जाएगा। उसको काम टोटल कितना करना है, काम जो उसको करना है, उसको काम करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसको काम टोटल जो करना है वो करना है उसे 60 यूनिट, और उसका एक दिन का एफिशियंसी है 20/3 यूनिट। तो इससे आप जो है एक मिनट नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि टोटल वर्क आपका कितना हो जा रहा है, टोटल वर्क आपका हो गया 60, और यहाँ पे एक दिन का एफिशिएंसी से नीचे डिवाइड करेंगे तो 20 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 3 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 इकाई। तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये सिंपल भी क्वेश्चन है और ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि ए और बी किसी काम को जो है वो 7, मतलब रिमेनिंग वर्क को, जो भी कंप्लीटेड जो भी आपका जो है ए और बी जो है वो कंप्लीटेड द रेस्ट वर्क, जो भी बचा हुआ काम था उसको 7 दिनों में किया। 37/100 जो वर्क जो था वो पहले से हो चुका था। ठीक है, तो और जो है अगर वो जो अगर ऑल्सो द वर्क डन बाई ए इज 5 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 4 डेज, तो कितने दिन? अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 5 दिनों का वर्क किया हुआ जो है ए का वो 4 दिनों के वर्क किया हुआ बी के बराबर है। तो बताइए कि यहाँ पे जो है हाउ मेनी डे वुड बी रिक्वायर्ड फास्टर वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, मतलब कितने दिनों में जो है जो भी फास्टर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो आपका काम कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे ये बताना होगा कि जो भी स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ए और बी जो है किसी कार्य को 7 दिनों में, शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, और कार्य पहले से कितना हो गया था, 37/100 हो गया था, मतलब अगर टोटल काम 100 था तो उसमें 37 आपका कंप्लीट हो गया था, बचा हुआ कितना था, 63, ये आपका बचा हुआ काम था। और यहाँ पे ये बोला गया कि जो है इफिशियंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो ए का जो इफिशियंसी है,
ए द्वारा 5 दिन का किया गया काम बी के 5 दिनों के 4 दिनों के काम के बराबर है। तो अगर हम लोग 5A, A के 5 दिनों का काम बी के 4 दिनों के काम के बराबर है, अगर 5A = 4B अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लें, निकाल लें, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा। आप यहाँ पे बोल सकते हैं 4/5, ए जो है वो 4 वर्क कर रहा है और बी जो है वो 5 वर्क कर रहा है, टोटल काम कितना है रिमेनिंग वर्क 63। उसके बाद है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर तो यहाँ पे इस तरीके से बोला कि जो भी जो फास्टर जो वर्क कर रहा है वो कितने दिनों में उस काम को करेगा, तो टोटल काम कितना था 100। तो 100 काम को 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितने दिनों में काम हो जाएगा, 20 दिनों में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका इसका सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास था क्या, टोटल वर्क तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे 100 ही। 100 आखिर क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे टोटल था 37/100, राइट। तो 100 जो है वो टोटल वर्क था और यहाँ पे ये कंप्लीटेड वर्क है, रिमेनिंग वर्क अगर निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसका कोई जरूरत ही नहीं था स्टूडेंट। अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ इतना चीज से जरूरत है कि हम लोगों को पहला तो ये बोला गया था, दूसरा जो बोला गया था कि 37/100 जो है वो वर्क कंप्लीट हो चुका है, 37/100 जो है ये आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका 100 जो हो गया ये टोटल वर्क हो गया और ये जो है आपका कंप्लीटेड वर्क हो गया, राइट। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे टोटल वर्क चाहिए, एफिशिएंसी हम लोगों के पास है ही कि बी जो है वो फास्टर काम कर रहा है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 इकाई, तो 5 तो 100/5 तो आपका 20 इकाई आ जाएगा आंसर, राइट। चलिए तो बाकी का आप 2 क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आई होप आप सारे लोगों से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से जो है वो आपका 20% कम है, 20% कम मतलब आपका जो है वो अगर ए अगर जो है 120 वर्क करता है, या फिर 20% कम बोलने का मतलब कि आप इसको 4:5 बोल सकते हैं, क्योंकि 20% कम हो गया ना, तो 20% अगर मान लीजिए कोई वर्क अगर 1 है तो उसमें 20% कम होने का मतलब कि आपका 1/5 उससे कम हो जाएगा। 20% का मतलब अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 20% = 1/5, अगर कोई व्यक्ति 1 अगर इफिशियंसी है तो 1 - 1/5 = कितना आ जाएगा, 4/5, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, इसका मतलब ए और बी का आप इफिशियंसी क्या बोल सकते हैं, 4:5 होगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ए और बी की a:b = आप बोल सकते हैं कि a:b क्या होगा स्टूडेंट, a:b जो होगा वो आपका 4:5 होगा, ठीक है। मतलब ए की देखिए अगर इसका 20% निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 20% 1 जो है इसका 4 आ गया, ठीक है। तो कितने दिन में जो है बी जो है उसी काम को कंप्लीट कर लेगा, तो ए जो है अकेले कितने दिन में किया, ए जो है वहां पे 10 दिनों में काम को किया, 1 दिन का एफिशिएंसी उसका, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40 इकाई। तो बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी जो है वो 40 इकाई को 5 के एफिशिएंसी से करेगा तो 8 दिनों में कर लेगा, तो 8 दिन उसका जो है वो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप इसको बोलेंगे 8 डेज में जो है वो पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, तो 8 डेज जो है इसका सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका SSC CPO में ये भी क्वेश्चन आपका आया था। दूसरा आप हम लोग बात करेंगे 12 मैन जो है वो कितने दिनों में काम कर रहे हैं, कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज, मतलब 12 मैन जो है वो 90 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, 30 दिनों के बाद वो काम को स्टार्ट करते हैं और 2 मैन जो है वो लिफ्ट कर लेते हैं और 8 मैन जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 8 मैन ज्वाइन किए इसी तरीके से, अब यहाँ पे कितने दिनों में जो है वो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो 12 मैन अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ ऐसे मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये भी आपका उसी टाइप से वर्क होगा जैसे M1D1 वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी के अकॉर्डिंग, M1D1 M2D2 वाला कॉन्सेप्ट उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 12 मैन कितने दिनों तक काम किए, 90 दिनों तक, राइट। 12 मैन 90 दिनों तक काम किए, 30 दिनों के बाद जो है 30 डे आफ्टर, उसके बाद 30 × 12 दो लोग वहां पे छोड़ दिए, तो 30 दिन तक 12 लोग काम किए। अगर हम लोग आगे बात करें तो उसके बाद जो है वो 12 लोग जो है यहाँ पे दो लोग काम को छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग काम को छोड़ दिए प्लस 12 - 2
ठीक है, इनटू आपका जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, राइट। और प्लस में जो है वो कितना लोग जुड़ गए, 8 लोग जुड़ गए। तो 8 लोग जो जुड़े वो किसके साथ काम कर रहे हैं, मतलब कैसे काम कर रहे हैं अगर हम लोग बात करें तो 8 लोग जो जुड़े तो ये आपका आ जाएगा 12 - 2 × 8x, ठीक है, प्लस में 8x आ जाएगा। तो ये कितना दिन काम किए वो भी नहीं पता, और जितना दिन ये जो 8 लोग जो काम किए उतना ही दिन वो लोग भी काम किए होंगे, तो यहां पे आपको पता ही नहीं है। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, अब आपको फिर से एक बार समझा देता हूं मैं कि सबसे पहले 12 मैन जो है वो 90 दिन तक काम किए, पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन से काम करना 12 लोग स्टार्ट किए, 30 दिनों तक उन लोगों ने 12 लोग काम किया, उसके बाद 2 लोग काम को छोड़ दिए, और 8 जिस दिन 2 लोग काम को छोड़े उसी दिन 8 लोग और आके काम को ज्वाइन कर लिए। तो यहां पे देखिए सबसे पहले इधर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा स्टूडेंट कि इधर वाला मैंने कैसे लिखा, मेन दिक्कत आप लोगों को यहां पे आ रहा होगा कि 30 × 12 12 दिनों तक 30 दिन काम किए, 30 दिनों तक 12 आदमी काम किए, उसके बाद 12 आदमी में से 2 लोग काम को छोड़ दिए, और वो कितना दिन काम किए वो पता नहीं, और उसी दिन जो है 8 लोग और ज्वाइन कर लिए, तो 8 लोग जितना दिन काम किए होंगे उतना ही ये लोग जो 10 लोग बचे होंगे उतना ही उन लोग भी काम किए होंगे। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे, तो 12 × 9 = 108, तो 1080, अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 360, और फिर यहाँ पे 12 - 2 कितना आ जाएगा 10x, राइट, और 10x के बाद यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ेंगे तो +8x आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है यहाँ पे इधर लाएंगे तो 1080 - 360 = 18x, तो ये आ गया, और 18x से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जब इसको करेंगे 20 आ जाएगा, और प्लस में 720, और 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 से 40 आ जाएगा, तो 40 जो है इसका आंसर आ जाएगा, तो 40 डेज में जो है वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये सारा जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, नहीं समझ में आया होगा तो मेरे सारे लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपका पाइप एंड सिस्टर्न स्टार्ट करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कराते जाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी ही क्लास आपको मिलेगा। थोड़ा क्लास में बहुत दिनों से दिक्कत ब्रेक लग गया था क्योंकि थोड़ा मैं होम टाउन पे नहीं था। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अब आपको क्लासेस जो है वो रेगुलर मिलेंगे स्टूडेंट, तो अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही पेज खोलेंगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप का हमारा जो है वो पिक्चर मिलेगा, अगर मेरा फोटो नहीं है तो किसी भी फैकल्टी का फिगर है तो वहां पे आप जो है इस तरीके से कोड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जाकर यहाँ पे गोल सेलेक्ट करेंगे, तो गोल बहुत सारे होते हैं, तो मैं वहां पे रेलवे कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, तो रेलवे कैटेगरी में आप जाएंगे, उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपको इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज बताई हुई है, कुछ कुछ फैसिलिटी जैसे कि आपको 30+ लाइव क्लासेस मिलते हैं, यहाँ पे क्लासेस जो आपको मिलेंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे, और 53+ एजुकेटर, ठीक है, तो ये एजुकेटर हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो लगभग हर एक सब्जेक्ट में जो है आपको 10 फैकल्टी है जो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं, और आपको जो है यहाँ पे न्यू कोर्स आपके नीड के अकॉर्डिंग हर बार जो है वो लॉन्च किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, तो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा तो कि आप 1 साल का लीजिए, 1 साल का लेने से स्टूडेंट फायदा क्या है, एटलीस्ट तो 6 मंथ का लेना ही चाहिए, लेकिन अगर आप 1 साल का लेते हैं तो उसमें भी बेनिफिट्स क्या होने वाला है आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि आपको 1 साल के लिए 6 मंथ के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 4000 रुपए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 साल का लेते हैं तो आपको मिलते हैं 5000 रुपए, तो सिर्फ 1000 से आपको जो है कितना वैलिडिटी बढ़ जा रहा है, कितना वैलिडिटी बढ़ रहा है आपका जो है अप्रोक्स मतलब कंप्लीटली 6 मंथ जो है वो वैलिडिटी बढ़ जा रहा है, ये समझने वाली बात है। तो कंप्लीट 6 मंथ अगर आप बाद में भी फिर से कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको 4000 के बाद फिर से 4000 लगेगा, तो 8000 आपका लग गया, जो कि 8000 में आपको 2 साल का अगर लेना है तो फिर 2 साल का ले लीजिए अगर उस तरीके से करना है तो यहाँ पे आपको जो 2 साल में लगेगा वही आपको यहाँ पे जो है
एक साल के लिए पे करना होगा। तो आप एक ही बार जो है एक साल का लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन में एटलीस्ट तो आपको एक साल टाइम तो देना ही पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे 5000 रुपीज लगेगा, ठीक है। तो ये 5000 रुपीज में आपको 12 मंथ मिलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है स्टूडेंट। तो इस टाइप के इंटरफेस में आपको यहाँ पे एक जो है फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप हमारे कोड को, मेरे कोड को अप्लाई करेंगे, आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कि कोड यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये मेरा कोड है स्टूडेंट, दिस इज माई कोड SHIBGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही स्टूडेंट आपको यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, कौन सा कोड, यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कौन सा कोड है स्टूडेंट। दिस इज माई कोड, आई विल मेंशन, यहाँ पे देखिए इस टाइप से मैं से एक बार राइट करके भी बता दे रहा हूं। ये देखिए ये मेरा कोड है, और ऐसे मैं फिर से इसको राइट कर देता हूं, रीराइट, SHIBGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जो भी फी होगा। मतलब आपको यहाँ पे 5000 में भी 10% मिलेगा। अगर इसमें 10% अगर आप लेते हैं तो 10% लेने के बाद आपका जो है वो अमाउंट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 4500 तक। उसके बाद क्लिक प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना बहुत ही जरूरी है। आप इसके बाद अगर अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक आपको यहाँ पे 5000 की जगह पे क्या लिखना है स्टार्ट होगा, इस तरीके से आपको लिखेगा रेफरल कोड अप्लाइड, यहाँ पे देखिए रेफरल कोड अप्लाइड, और यहाँ पे 5000 की जगह पे जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपका 10% रिड्यूस होगा। जब हो जाएगा उसके बाद ही आपको क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। तो आगे प्रोसीड में आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है प्रोसीड टू पेमेंट में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, EMI से कर सकते हैं, और साथ ही साथ गूगल पे से भी कर सकते हैं, और UPI से कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट से कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। तो आप हमारे इस चैनल को पे नए हैं, और अभी तक अगर आप लोगों ने स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन स्टूडेंट, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू एवरीवन। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, और डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, राइट। अब यहाँ पे मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये सारे सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा दो चैनल है, एक पे मैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ाता हूँ, प्लस में आपको GK GS करेंट अफेयर भी प्रोवाइड कराता हूँ, और एक चैनल पे आपको जो है एकेडमिक्स की क्लासेस मिलती है जिसमें 9th से लेकर 12th तक का मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, राइट। तो वहां पे भी आपको जो है वो चैनल भी आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई स्टूडेंट्स हैं जो जो क्या करते हैं किसी भी टाइप के कंपिटेटिव एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोर्ड के लिए भी वहां पे क्लासेज अभी लिए जा रहे हैं। तो इसलिए आप ये सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल दोनों नाम से अवेलेबल है, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 24 आवर्स के अंदर मैं आपको जो भी आपका जो भी सपोर्ट होगा वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।